नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो किस तरीके से राजनीति में भूचाल आ जाता है। जी हां, आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की राजनीति हो रही है, चाहे वो राज्यों के लिहाज से अगर बात की जाए तो हर जगह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है। सरकार लगातार विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करती है, वही विपक्षी पार्टियां भी कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं कि जब वो सरकार पर यानी कि बीजेपी की सत्ता पर निशाना न साधे। वही अगर बात दिल्ली की जाए, देखिए देश की राजधानी दिल्ली की बात जब भी होती है तो वहां पर टकराव की स्थिति पैदा होती नजर आती है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरीके से सीबीआई का छापा पड़ा था, उसके बाद मानो दिल्ली सरकार में यानी कि आम आदमी पार्टी में जैसे भूचाल सा आ गया हो। हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ और यहां तक कि बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया था। और उन्होंने तो ये बात तक कह दी थी कि मुझे किसी भी बात का कोई खौफ नहीं है, जब सिसोदिया ने इस तरीके की बात कही थी और उनके बचाव पक्ष में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज भी आगे थे। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया था, उन पर कटाक्ष किया था। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर अभी भी वो सीबीआई और ईडी की रडार पर है, उसके बावजूद अब एक ऐसी बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है जहां पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मनीष सिसोदिया का एक ऐसा बयान जिसने बीजेपी पर ही उल्टा आरोप लगा दिया है। यूटर्न की ये पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अब जाके समझ में आ रही है कि किस पर भारी पड़ने वाली है। जिस तरीके से लगातार 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है शराब घोटाले को लेकर, सबसे पहले पायदान पे यानी कि सबसे पहला नाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। और अब देखिए कि उन्होंने ट्वीट के जरिए जैसे कि भूचाल सा ला दिया हो, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि आपको छोड़कर यानी कि आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए। इस तरीके की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और देखिए उसके बाद उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, जहां पर उन्होंने ट्वीट किया है बीजेपी के खिलाफ। वो ट्वीट आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे, मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं, मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लीजिए। तो देखिए इस बयान से आपको क्या लग रहा है, आप जिस तरीके से दिल्ली की सियासत कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा जो निशाना लगाया जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से, कहा जा रहा था कि कितनी भी बार अगर सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, कितना भी रडार पर ले लें, लेकिन अगर जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आएगी। सिसोदिया ने इस बात की तर्ज दी थी बीजेपी को और ये भी कहा था, आप जितने भी आरोप लगाना चाहते हैं उस चीज से मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सच्चा हूं। और अब देखिए उनका ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी पर उल्टा साबित हो सकता है, यानी कि उल्टा पड़ता हुआ साबित हो सकता है। कुछ वक्त पहले की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से तीखी तंज और तीखी तलखियां बीजेपी की ओर से देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जो निशाना खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर विपक्षी तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी, और बीजेपी कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। और ऐसे में जो टकराव है वो अभी से ही पैदा हो रहा है, और ईडी और सीबीआई को लेकर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, अब जो बयानबाजी सिसोदिया की तरफ से की गई है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, ये खरीद फरोख्त की राजनीति आखिर जिस तरीके से उन्होंने तीखी तलखियां बीजेपी पर कही हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरीके से सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे सबसे जल्दी।